चलिए अब थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन देख लिए इसके ऊपर, जैसा आपको लगे फ्रेंडली, क्योंकि अभी तक इतने सारे कंसेप्ट बता दिए, इंप्लीमेंट तो कर लें। तो 0 से लेकर 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है स्क्वायर डी, इसका मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा और एल्जेब्रिक एरिया आएगा, वो चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 से लेके 2 तक। अब इसमें 3 तो कॉन्स्टेंट है, तो 1/3 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, पहले तो एक्स ये 2 लगा दिया, तो 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये क्या आंसर आ गया, 8/3 आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लिया, अब तो हमारी स्पीड बन जाएगी ना, क्योंकि हम इतने सारे कुछ कंसेप्ट समझ चुके हैं, इतने दिनों से हम ये कैलकुलस पढ़ रहे हैं, पर डेफिनेटली हमें कैलकुलस पढ़ना ही पड़ेगा, बड़ा लेंदी है। तो 1/(x)dx हमें इसका इंटीग्रल करना है, तो 1/(x) का इंटीग्रल हमें पता है कितना होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, और बस ये इंटीग्रल आ गया, तो लिमिट लगा दिया इसमें कहाँ से कहाँ तक, -4 से लेकर -1 तक। तो पहले अपर लिमिट लगा दिया, सब्सिट्यूट किया ना इसको, तो अपर लिमिट क्या आ गई, -1, फिर माइनस कर दिया लोअर लिमिट, लॉग ऑफ -4। ठीक है, अब हमने तो मॉड्यूलस रखा है -1 का, तो ये तो सीधा सीधा 1 ही आ जाएगा, माइनस लॉग -4 है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि ये मॉड है -1 का, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे वह जाएगी 1, और -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 4, तो log 1 तो हो गया 0, और -log 4, तो -log 4, तो किसी भी फॉर्म में आंसर दे रखा होगा वैसे ही आंसर आ जाएगा, log a -log भी उस तरह log 1/4, ऐसे कुछ आंसर आ जाए, तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन जैसे भी जो भी ऑप्शन होगा वही आप इसमें आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेस्ड इसी के ऊपर, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा हो गया। लेट अस से आई हमें दे रखा है 0 से लेके π/2 तक, इंटीग्रल ऑफ 1 - cos 2x, ये हमें करना है। ठीक है, dx हमें इसे इंटीग्रेट करना है, लिख देते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर लेट अस से 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, तो 0 से लेके π/2 तक इंटीग्रल ऑफ √1 - cos 2x, तो हमने क्या किया, इसे 0 से लेके π/2 तक, अब इस समय हमें दिखाई दे गया ये अंडर रूट हो गया रेडिकल साइन। ठीक है, तो जो भी पावर पूरी नहीं होती, 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, 1/6 है, ऐसी चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ हट जाए, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो हम देख लेते हैं कि 1 - cos 2x से कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स वाला है, कॉस स्क्वायर साइन वाला, साइन स्क्वायर एक्स वाला, तो हमें स्ट्राइक कर गया, अभी एक फॉर्मूला था हमारे पास 2 sin² x होता है, ये तो कॉस 2x से फॉर्मूले याद करने जरूरी थे, बताया था आपको, इसका रूट ले लिया, फिर आगे लिख दिया dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब तो रूट 2 को तो हमने बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है, आ जाएगा 0 से लेके π/2 तक साइन एक्स को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दिया, तो कर लेंगे साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, -cos x, तो √2 तो बाहर कॉमन आ गया, और लेट अस से अंदर आ जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ, -cos x, और लिमिट लगा दी इसमें कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। तो पहले तो इसमें हम अपर लिमिट लगा दें, -cos π/2, और फिर हम लोअर लिमिट लगा दें, -cos 0, ये कर दें। ठीक है, तो ये तो आंसर ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 इंटू -cos π/2, cos π/2 तो 0 होता है, तो आ जाएगा 0 - -cos 0, इसका मतलब -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका मतलब √2 × 1 = √2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर एक क्वेश्चन और देख लिया, i = 0 से लेके π/4 तक tan²x dx। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि tan²x को हमें इंटीग्रेट कैसे करना है, अब तो ये छोटा सा क्वेश्चन हो गया, तो आपको अब तो रट जानी चाहिए चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। tan²x को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sec²x - 1,
dx। अब दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेट कर लिया ये तो इजी हो जाएगा। ये तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, 10x होता है, और वन का कितना होता है, एक्स होता है। तो मैं बीच में एक स्टेप खा गया हूँ, कोई बात नहीं, आप भी खा सकते हैं उसको, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है इसलिए एग्जाम में वो स्टेप्स नहीं देखेगा, वो तो आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन देगा। तो अगर प्रैक्टिस हो गई है तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो अलग अलग लिख लेना है इसको, फिर ऐसे कर लेना। तो पहले तो हमने इसमें क्या लगा दिया, 10π/4 सॉल्व करने के लिए पहले अपर लिमिट लगा ली पूरे में, ठीक है, 5/4 लगा दिया। तो अपर लिमिट लगाई माइनस इसमें लोअर लिमिट लगा दी, 10(0 - 0)। तो ये क्या आ गया, 10π/4 माइनस 5/4 माइनस सी, तो 10π/4 कितना होता है, 1 माइनस 5/4, ये आंसर आ गया, ठीक है, 10(0, 0)। एक और क्वेश्चन देख लिया इजी सा, वन अपॉन, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 1 से लेके 2 तक, 1 अपॉन x+1 × x+2 dx। तो ये देखते हैं, हमें याद आ रहा है कि ये तो पार्शियल फ्रैक्शंस वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस टर्म में से इस टर्म को माइनस कर दूँ तो हमारा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सेपरेट कर लिया। तो इसे लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, लिख लो चलो, 1 से लेके 2 तक x+2 - x+1, और इसके नीचे भी लिख लिया x+1 × x+2 - के नीचे भी x+1 × x+2, और आगे लिख दिया dx, ठीक है। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 से लेके 2 तक 1 अपॉन x+1 dx- यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेके 2 तक 1 अपॉन x+2 dx सॉल्व कर लिया। तो क्या सॉल्व कर जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रल कितना आएगा, लॉग एक्स, मतलब लॉग x+1, ठीक है, और दोनों को लिख लो एक साथ, माइनस लॉग x+2, क्योंकि लिमिट तो एक ही आ रही है ना 1 से लेके 2 तक। पहले 2 लगा दो फिर 1 लगा दो, तो लगा दिया, पहले 2 लगाया, लॉग 2+1 3 माइनस लॉग 2+2 4, फिर माइनस क्या 1 लगा दिया, तो लॉग 2 - लॉग 1+2 3, तो ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया, ये कितना आ गया, log 3 - log 4 - log 2 - log 3, सही किया है हमने, पहले ये लिमिट लगाया 2+1, ठीक है, log 3 - log 4 आ जाएगा, माइनस ऐसा आ जाएगा, तो माइनस ये सब ब्रैकेट के अंदर है इधर, तो ये आ जाएगा log a - b। तो आप लिख सकते हो log 3 / 4 - log 2 / 3, तो log a - log b, तो ये होता है log a / b, तो ये हो जाएगा log, ये आ जाएगा log a / b 2/3, ठीक है, तो ये आ गया 2 3/2 हो जाएगा, तो ये आ गया आंसर लॉग ऑफ, सॉरी, 3/4 / 2/3। तो एक स्टेप हम खाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अब मैं आपको बताया था, log a - log b, तो log 3/4 / 2/3, तो ये आ जाएगा log 3/4 × 3/2, ठीक है, तो ये आ गया log 9/8, ये आंसर आ गया, करेक्ट। तो स्पीड तो थोड़ी आपकी बन जाएगी, कोई टेंशन है नहीं इसमें, राइट। चलिए क्वेश्चन और देख लिया, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 1 तक 2x / 5x² + 1 dx।
तो अभी हमें तो कुछ दिख रहा है कि अगर हम क्या करें, अगर हम 5x² + 1 को क्या मानते हैं टी, तो 2x dx कहीं से जनरेट हो जाएगा, हो जाएगा, तो टेंशन क्यों करें, मान ही लेते हैं ना। 5x² + 1 को हमने मान लिया टी, तो 10x dx इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा कि क्वेश्चन को अपने चेंज कर लिया, इससे ऐसे लिख लिया 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक नहीं, लिमिट तो भी हम लगाएंगे क्योंकि हम तो वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने, चलिए 10x dx इज इक्वल टू डी टी, तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो, चेक कर ले पहले, अगर x की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू होगी 1, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू क्या होगी, अगर x इज इक्वल टू 1 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 0² + 1, तो ये तो 1 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू है 1 तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1² × 5, 5 + 1 = 6। तो अब क्वेश्चन में लिमिट क्या लग जाएगी, t की लिमिट लगेगी, t इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक। अब हमें पता है कि ये 10x dx इज इक्वल टू डी टी है, तो अगर 2x dx लिखूँ मैं यहाँ पे, 2x dx, तो ये कितना हो जाएगा, dt/5 हो जाएगा। तो उस 1/5 को हम बाहर ले गए और डी टी अंदर लिख दिया, अपॉन टी लिख दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है, तो ये तो हो गया 1/5, dt/t कितना हो गया, log t, इसमें लिमिट लगानी है 1 से लेके 6 तक, लगा दी लिमिट हमने, 1/5 log 6 − log 1, तो log 1 तो 0 होता है, तो 1/5 log 6, यही आंसर आ गया। देखो थोड़ी सी स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि हमारी इतनी स्पीड आ जानी चाहिए अब तक, क्योंकि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, टाइम में वेस्ट नहीं करना है। तो अल्टीमेटली एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हमने लिमिट्स कैसे लगानी है। ये मैं लिमिट लगवा रहा हूँ बिकॉज डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चंस कर रहा हूँ। अभी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में एक तो क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं आएगा, प्लस डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसकी अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उन प्रॉपर्टीज से आपके जो क्वेश्चंस होंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। बस क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ें जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए, जो या तो ऑप्शन बेस्ड सॉल्यूशन होगा या हमें थोड़ा सा कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वो कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉपर्टीज से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ये टॉपिक बाय टुमारो फिनिश कर दूंगा, हर हाल में डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो कल भी आपके पास 3-4 वीडियोस और आ जाएंगे तो हम इस टॉपिक को क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ का मतलब है कि इसका एप्लीकेशन अभी नहीं आएगा, पर हाँ डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो हम इस टॉपिक को क्लोज़ करेंगे कल तक। प्रॉपर्टीज़ बेस्ड सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू।